चिड़ी को। मैं कब छूटूंगा साहब? अबे और धतूरे के बीच, जब तक मारे सर में दर्द रहेगा तब तक तू मारे कैद में रहेगा। सर टेंशन नहीं, अटेंशन। अबे टेंशन होगी तो टेंशन होगी ना। यू आर राइट सर। रॉन्ग बात ना करूं मैं। सुन, हाइट में तू बड़ा, थाने में मैं बड़ा। चल सर। पानी पिलाओ। इतनी ठंड में पानी? प्यास लगे ना लगे टेबल पर बैठते ही पानी का ऑर्डर देना जरूरी है। तो हिम्मत सिंह ये बड़ा कैसे कहलाएगा? यू आर राइट सर। यस जी साहब। जी हमारे बड़े साहब तो भोला साहब है ना जी। भोले की बात कर रहे, भोला गधा है, बेवकूफ है, उल्लू का पट्टा है। अब क्या चीज है भोला? अब भोला क्या चीज है? अरे मिनिस्टर से मैंने फोन पे बात करके सिफारिश की, तब ये बना इंस्पेक्टर, वरना ये तो वो चपरासी के लायक भी ना है। यू आर राइट सर। रेड रेड की बात करे, रॉन्ग बात रह करूं मैं। हिम्मत सिंह बुझ, हिम्मत सिंह। बता बे साले, शादी में आया क्या? हिम्मत सिंह। अबे कोई आने का टाइम है ये? हिम्मत सिंह, हिम्मत सिंह। पहले ये बता तू देर से क्यों आया? अब पहले ये बता कि इस थाने का इंचार्ज तू है या मैं हूँ? मैं हूँ। यू आर राइट सर। ये ले। Hey, shut up! इस थाने का इंचार्ज मैं हूँ और सरकार ने जीप मुझे दी है, तुझे नहीं। ऐसी बात नहीं है, सरकार ने जीप हम सबके लिए दी है, और इसलिए कि आतंकवादियों से डर के भागना पड़े तो सब एक साथ बैठ के भागे। यू आर राइट। रॉन्ग बात तो करूँ ना मैं? तेरे को घमंड आ गया क्या? मैं इंस्पेक्टर हूँ इंस्पेक्टर। ये देख मेरे स्टार, मेरे स्टार। यू आर राइट। बैठ जाओ रेड वाले बच्चे। ये देख तुझ जैसे स्टार कितने आए कितने गए, कुछ तो चले गए कुछ तो मर गए कुछ तो सुधर गए, कुछ न जाने किधर चले गए। किधर गए? किधर गए? ये देख मेरी बात सुन ले, आतंकवादियों से जिनकी यारी है उनका पलड़ा हमेशा भारी है। 20 साल हो गए इस थाने में हवलदार हुए, तेरे को 6 महीने हो गए इंस्पेक्टर बन के। वैसे भी तू मेरा साला है, मैं तेरा जीजा हूँ, बोल बड़ा कौन? दादा बात नहीं करना, तेरी बहन को आधे रास्ते में छोड़ दूंगा मैं। साला है तो तेरी इज्जत कर रहा हूँ। बैठ जा बैठ जा बैठ जा, चल बैठ जा, जल्दी बैठ जा। ओए मेरे लिए एक लस्सी ले गया, पानी पीगा तू? हाँ। एक पानी लाके इसके मुंह पे मार, होश में नहीं है ये। यू आर राइट सर। बोला कहाँ है? कहाँ बोला? ये बात है बहुत हाँ भरी है तू, ये परेशानी है। बोला बोला क्या कर रही है इस थाने में? मैं बड़ा, मुझसे बोल। वो मुझे मंगलवार के खिलाफ कंप्लेन लिखवानी है। बेइज्जती कर रही है तू, मेरी बेइज्जती कर रही है। छोटे मोटे लोगों को कंप्लेन लेके नहीं आना मेरे पास। क्या? मैं बड़े बड़े डकैतों को कंप्लेन लिखता हूँ मैं इस थाने में। मैं बड़ा, छोटी मोटी कंप्लेन लिखाना तो कोने में बैठा है बोला था उसके पास। तो चल चल उधर। अरे रोमा तुम, आओ आओ बैठो, कैसी हो तुम? बोला अभी और इसी वक्त मेरे साथ चलो है? और उस मंगल लोहार को ऐसा मजा चखाओ कि जिंदगी में किसी लड़की को छेड़ना तो दूर, वो शादी के लायक भी ना रहे। अभी मेरे साथ चलो और उसे गिरफ्तार करो। बोला लेकिन उसने किया क्या है? किया क्या है? अरे उसने मुझे छेड़ा है और मेरा कैमरा भी छीन लिया है। अच्छा तो उसकी ये हिम्मत? तू फिक्र मत कर रोमा, कल मेरी पगार होने वाली है, मैं तुझे नया कैमरा खरीद के दूंगा। क्या? वो क्या है ना रोमा, कि हम ठहरे इज्जतदार लोग, हमें गुंडे मवालियों के साथ मुंह लगना शोभा नहीं देता। हाँ। ये तुम कह रहे हो? एक पुलिस ऑफिसर ये कह रहा है। देखो अगर तुमने उसे गिरफ्तार नहीं किया तो याद रखना भोला, जिंदगी भर दोबारा बात नहीं करूंगी तुमसे। अच्छा अच्छा अच्छा, ऐसी बात है तो हम आते हैं, एक मिनट। मेरे बहादुर सिपाहियों तैयार हो जाओ,
हमें मंगल लोहार को गिरफ्तार करने जाना है। और अपने अपने साथ कपन के कपड़े भी ले जाना, क्या पता उधर मिले ना मिले, और साथ बगल में ना वो चंदन की लकड़ियां भी ले जाना। और मंगल लोहार से विनती करना भैया, हमें मार के हमारी बॉडी को इधर से जला देना। यू आर राइट सर। राइट के बच्चे, क्या हो गया साले तुझको, क्या हो गया तुझको, इस लड़की के चक्कर में तू तो मर गई, 100% मरेगा। अबे क्यों मार रही है बे? रोमा ये नहीं नहीं नहीं, हम जाएंगे, जरूर जाएंगे, ये मेरा हुक्म है, तुम लोगों के सीनियर का हुक्म है, यू अंडरस्टैंड, फॉलो मी। चलो उतरो, ओके, कम ऑन बॉयज, फॉलो मी। अरे खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो, जाओ और गिरफ्तार करो उसे। अभी गिरफ्तार करता हूँ, जरा इसे फ्री तो होने दो, बहुत बिजी है अभी। हाँ। अरे तुम जाओ। मंगल लोहार, मैं तुझे एक जर्नलिस्ट को छेड़ने और उसका कैमरा छीनने के जुर्म में गिरफ्तार करता हूँ। अच्छा तो ये छमिया तुझे यहाँ लाई है? ओ शट अप, जुबान संभाल के बात कर, मेरे बहादुर सिपाहियों गिरफ्तार कर लो इसे, हथकड़ियां लगा दो इसको। हाँ। लगी तो नहीं आपको? कैसे लगा आपको मेरा यह मजाक? मैं तो मजाक कर रहा था। वो क्या है ना मंगल भाई, कि रोमा की मुझे कहने लगी कि आप उसके साथ जबरदस्ती कर रहे हैं, तो मैंने कहा कि मंगल भाई ऐसे आदमी नहीं है, वो तो एक शरीफ आदमी है, शहर के इज्जतदार इंसान है। वैसे मंगल भाई, आजकल आप पुलिस स्टेशन नहीं आते, आप मुझसे नाराज है क्या? वो क्या ना मंगल भाई, आप पुलिस स्टेशन नहीं आते ना, तो मेरा दिल नहीं बहलता, कुछ सुना सुना सा लगता, आया करो ना मंगल भाई। मैं तेरा दिल बहलाता हूँ, तू यहाँ। हम लोगों की तो ऐसे मजाक चलती ही रहती है, क्यों मंगल भाई? ये भी बिल्कुल आपकी तरह मजाक करती है, क्यों रोमा? रोमा रोमा।